अस्सलामुअलैकुम, आपसे गुजारिश है कि कारी अली रजा नजमी चिश्ती ऑफिशियल चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहु। आप हज़रात खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आइए आज हम बात करेंगे दुआ की कबूल होने का कुछ खास वक्त, किस वक्त अल्लाह तबारक व ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। वैसे तो अल्लाह तबारक व ताला दुआ कबूल होने के वक्त, वैसे तो अल्लाह तबारक व ताला हर वक्त दुआ को कबूल करता है, लेकिन कुछ वक्त बड़े ही अहम होते हैं जिस वक्त आपकी दुआ अल्लाह तबारक व ताला ज़रूर कबूल फरमाता है। तो आइए हम इस पे बात करते हैं। नंबर वन, रात का आखिरी हिस्सा में अगर आप दुआ मांगते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी हर एक नेक दुआओं को कबूल फरमाता है। ये बुखारी शरीफ तिर्मिजी शरीफ से है। नंबर टू, अजान और अकामत के बीच का वक्त अगर आप दुआ मांगते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाता है, तिर्मिजी शरीफ में आया। नंबर थ्री, सजदे के वक्त अगर आपने दुआ मांगा अल्लाह तबारक व ताला से तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाता है। नंबर फोर, जुमा के दिन भी अगर आपने अल्लाह तबारक व ताला से नमाज के बाद आपने दुआ मांगा तो आपकी दुआ को अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाता है। नंबर फाइव, आखिरी तशहुद में दुरूद शरीफ के बाद, नंबर फाइव, आखिरी तशहुद में दुरूद शरीफ के बाद अगर आप दुआ मांगते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाता है। नंबर सिक्स, फर्ज नमाज के बाद अगर आप दुआ मांगते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाता है। नंबर सेवन, बारिश उतरते वक्त अगर आपने अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगा तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाता है। नंबर एट, अगर आपने रोज़ा इफ्तार करते वक्त अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगा तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी हर नेक दुआ को कबूल फरमाता है। नंबर नाइन, अगर आप अपने माँ बाप के कदम को दबा रहे हैं उस वक्त भी अगर आपने दिल से दुआ मांग लिया तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी हर एक दुआओं को कबूल फरमाता है। नंबर टेन, जमजम के पानी पीने से पहले अगर आपने अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांग लिया तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी सारी दुआओं को कबूल फरमाता है, आपकी सारी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये रमज़ान का बेहतरीन मुकद्दस महीना है, रहमत वाला महीना है, बरकत वाला महीना है। सो आपसे गुजारिश है कि इस बाबरकत महीने में जितना हो सके इबादत करें, ज़िक्र करें, कुरान शरीफ की तिलावत करें और अपने माँ बाप की खिदमत करें। और सभी लोग ये दुआ करें कि ऐ अल्लाह, हमारा इस मुल्क हिंदुस्तान में जो वबा है, इस करोना वायरस की जो बीमारी है, ऐ अल्लाह, इस करोना वायरस से हम सब मुसलमान भाइयों को और सारे लोगों को, इस मुल्क में जितने लोग हैं सबको इस करोना वायरस से हिफाजत अता फरमा और हमेशा हमेशा के लिए इस रमज़ान शरीफ के सदक़े इस करोना वायरस को दूर अता फरमा।